नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए। पाकिस्तान ने अपने देश में आईपीएल 2019 के प्रसारण पर लगाया बैन। पुलवामा में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद से ही भारत पाक के दरमियान कशीदगी बनी हुई है। इस हमले में सीआरपीएफ के लगभग 40 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद से ही दोनों देशों की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ मनमुटाव की स्थिति है। इसका असर क्रिकेट जगत पर भी देखने को मिल रहा है। भारत द्वारा पाकिस्तान सुपर लीग के सीधे प्रसारण पर प्रतिबंध लगाए जाने के एक महीने बाद पाकिस्तान ने भी इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर बैन लगा दिया है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि भारतीय कंपनी IMG रिलायंस ने भी पाकिस्तान के विश्वव्यापी टीवी कवरेज संबंधी करार तोड़ दिया था, जिससे लीग को टूर्नामेंट के बीच में ही नई प्रोडक्शन कंपनी से करार करना पड़ा। भारत की तरफ से तगड़ा झटका झेलने के बाद पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि PSL के दौरान जिस तरह भारतीय कंपनियों और सरकार ने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ सलूक किया, हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि हमारे यहाँ IPL दिखाया जाए। गौरतलब है कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में CRPF काफले पर हमले के बाद से ही पूरा देश आक्रोशित है। पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को दिए जा रहे संरक्षण को लेकर भारतीय खेल जगत में भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। पाकिस्तान पहले भी भारत में कई हमले करा चुका है और इस बार भी पाकिस्तान की शह पर पुलवामा में हमले को अंजाम दिया गया। इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की हरकतें कितनी नीच और नापाक हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं।